हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं सैंडविच, जो कि हमने मैगी की सैंडविच बनाई है, जो कि काफ़ी टेस्टी और चीज़फुल थी। तो आज हमने बनाया है चीज़ मैगी सैंडविच, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसे हम ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर लें। तरीके से हम ब्रेड को कट कर लेंगे ना, तो आप देख सकते हैं हमें स्क्वायर शेप का मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये हॉलो वाला पार्ट हमें इस तरह का शेप में आ जाएगा। इसे हाथ की हेल्प से आप निकाल लीजिए ब्रेड को, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने दोनों ब्रेड को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इसके बाद ना हम मैगी उबालेंगे, जिसके लिए हमने एक पैन में पानी चढ़ाया है। और जब पानी है ना अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, तब हम नॉर्मल जैसे मैगी बनाते हैं ना, मसाला मैगी, वैसे ही बनाएंगे। इसमें हमने मैगी डाला है। हमने दो मैगी के पैकेट लिए यहाँ पे। उसके बाद जब ये थोड़ी बॉईल हो जाए ना, तो मैंने इसे चम्मच की हेल्प से खोल दिया, ताकि ये अच्छे से दोनों साइड से पक जाए। जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए ना, तब इसके बाद हम इसमें टेस्ट मेकर डाल देंगे, मैगी मसाला का टेस्ट मेकर। इसके बाद सारे मसालों को अच्छे से मैगी में मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमारा जो ये मैगी है ना, अब ये रेडी हो चुका है। इसे हम एक बाउल या कंटेनर में निकाल लेंगे। इसके बाद हम पैन लेंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने ये इस टाइप के ब्रेड को काट करके रखे थे ना, 20 स्क्वायर वाले, इसको यहाँ पर रख दिया है। जब ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपनी यहाँ पे हम मैगी डालेंगे। आप चाहें तो मैगी को गर्म या फिर आप ठंडा भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप मैगी को अच्छे से कोट कर लीजिए ब्रेड पे, जो भी खाली जगह है ना उसको हम अच्छे से फील कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, क्योंकि चीज़ में ना ये दोनों डालने से इसका ना ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। और इसके बाद जो हमारे पास ये ब्रेड थे ना स्क्वायर शेप वाले, इसे हमने रख दिया है ऊपर से दबा के, ताकि चीज़ में मेल्ट होके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट दे। सो गाइस, अब हमारा ये सैंडविच ना बन के रेडी हो चुका है। हमारी जो चीज़ है ना, ये काफ़ी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। सो गाइस, आपको ये चीज़ मैगी सैंडविच कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया ना, तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। आपको कौन सी सैंडविच ज़्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी ना, तो शेयर करें, और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।